अल्लाह के कलाम को पढ़ा और हर सुनने पर अमल किया, उन पर अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें आई। और जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, असबाब बड़े बनाए। सब्सक्राइब अल बयानत ट्यूब ऑफिशियल। मुहतक कलमा नहीं पढ़ा तो मरने से पहले भी कईयों पर अल्लाह का अजाब आया, और जिस पर अजाब नहीं आया मौत के वक्त फरिश्ता सामने आता है, उसे बताता है अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, जमीन की नेमतें अल्लाह ने दी, सूरज चांद सितारों की रोशनियां अल्लाह ने दी, सब नेमतें अल्लाह ने दी, तूने अल्लाह के रज़ा के अमल को कबूल नहीं किया, अब तुझे दोज़ख के आग में अज़ाब के लिए ले जाएंगे। तो अज़ाब का सुनकर वह रू निकलने नहीं चाहता, फरिश्ता खींच कर निकालता उसके रू को निकाल कर, और जब उसको कब्र में दफन करते हैं तो अल्लाह उसकी कब्र को भी तंग कर देते हैं। इंसान के जिस्म के आपस में फंस जाते हैं, ऊपर दोज़ख देखने की आंखें अल्लाह ताला ने दी, सुनने के कान अल्लाह ताला ने दिए, चलने के कदम टांगे अल्लाह ने दी, काम करने के हाथ अल्लाह ने दिए, और जमीन पर रहने खाने पीने की जितनी नियमतें मिल रही सब अल्लाह के हुक्म से नियमतें मिल रही। रोशनी न होती तो कुछ नहीं कर सकता था, तो सूरज की और रोशनी के लिए अल्लाह ने बनाया, रात आराम की है, रोशनी न होती तो नुकसान होता, रात की रोशनी सितारे और चांद अल्लाह ने बनाया, हर नेमत अल्लाह ने बनाई, तो अल्लाह का हुक्म है कि इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया, तो इबादत कैसे करनी है उसके लिए अल्लाह ने पैगंबर भेजे, तो सारे पैगंबरों का कलमा यही है ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिरी हिस्सा उस पैगंबर की सिफत होती है, तो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, तो आपका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो जो दिन से कलमे को हक मान कर पढ़ेगा दिल में ईमान का नूर शुरू हो जाता है। तो जितना कलमा पढ़ता है नूर पढ़ता है, कुरान सीख कर पढ़ता है, कुरान पढ़ने से भी नूर पढ़ता है, और फिर पांचों नमाज़ें पढ़ता है तो उन पांचों नमाज़ें पढ़ने से भी नूर पढ़ता है। तो वो नूर जिसका आसमान तक पहुंच जाता है तो उसकी दिल की तवज्जो हर वक्त अल्लाह की तरफ हो जाती है, हर वक्त सोचता है ऐसा अल्लाह का हुक्म क्या, पैगंबर की सुन्नत क्या, पांचों नमाज़े अल्लाह की रजा के लिए मुकर्रर कर दिए। अब नमाज के वक्त में जितने कदम चल कर मस्जिद में जाएगा उन कदमों का भी सवाब होगा, और जितना वक्त नमाज में लगाएगा मस्जिद में ठहरेगा उसका भी सवाब होगा। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद
اللہ پیغمبر نہیں بھیجیں گے, آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو آپ نے اس وقت کلمہ پڑھنے والوں کو فرما دیا کہ ساری دنیا والوں کو کلمہ پڑھاؤ, جو کلمہ پڑھ لے اسے سنتے سکھلاؤ. تو جو جتنے لوگوں کو کلمہ پڑھائے گا سنتے سکھلائے گا, تو اس وہ جتنے عمل کرے گا اس کو بھی ثواب ہوگا, اور جس نے کلمہ سکھلایا نمازیں سکھلائی تو اس کے عملوں کے برابر اللہ انعام اس کو دیں گے جس نے عمل سکھلایا. جس نے فرما دیا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, ساری زمین والوں پر رحم کرو, ان کو کلمہ پڑھاؤ, نماز سیکھنے پر لگاؤ, نماز پڑھنے پر لگاؤ, مردوں کو عمل سکھلاؤ اور ان کو کہہ دو کہ یہ عمل اپنے گھر کی عورتوں کو بھی سکھلاؤ, کلمہ نمازیں قرآن. تو جو عملوں کو مقصد بنا کر ہر عمل کو سنت کے مطابق کرے گا تو دنیا میں رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں. جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو فرشتہ روح نکالنے آتا ہے, اسے خبر دیتا ہے کہ تو نے اللہ کے رضا کے عمل کیے, اب تجھے جنت میں لے جائیں گے. تو جنت میں جانے سے خوش ہوتا ہے, وہ کہتا ہے روح نکالو جلدی جنت میں جاؤ. تو میرے سے کہتا ہے تھوڑا سا وقت تیرے دنیا کا باقی ہے, تو پورا ہو جائے گا پھر نکالیں گے. تو اس کے روح نکال نکلنے کے وقت میں فرشتے روح نکال کر اللہ کے حکم سے جنت کی نعمتوں لے جاتے ہیں, اور جب اس کا جنازہ پڑھ کر اس کے قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس کی قبر کو بھی اللہ کھول دیتے ہیں, جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے قبر کھل جاتی ہے اور جنت کی نعمتیں اس کی قبروں میں آ جاتی ہیں. جنت نعمتوں کی جگہ بن جاتی, باقی جو موت کلمہ نہیں پڑتا آسمان میں لگا رہتا ہے, جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو پھر سے سامنے آ کر بتاتا ہے تو نے اللہ کے رضا کے عمل قبول نہیں کیے, اب تجھے دوزخ کی آگ میں لے جائیں گے. یہ سن کر اس کا روح نکلنے نہیں جاتا, تو فرشتے خیز کر نکالتے ہیں اس کے روح کو دوزخ کے عذاب میں لے جاتے ہیں, اور جب اسے قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر بھی اس کی تان کر دیتے ہیں, اس کے سارا جسم آپس میں پھنس جاتا ہے, اوپر دوزخ کی آگ آ جاتی ہے, قبر میں بھی دوزخ کی آگ. اور پھر یہ بھی حال آتا ہے کہ دنیا باقی ہے پیغمبر کے اعمال سے, جیسے آج کل دنیا میں اکثر لوگ اسباب بڑے بنا رہے کلمہ نہیں پڑھتے کافر ہے, اور جو مسلمان ہے کلمہ پڑھتا ہے, بستی میں کافی مسلمان نمازیں نہیں پڑھتے, کبھی پڑھتے ہیں کبھی قضا کرتے ہیں. پتا ہے کہ جو نمازیں قضا کر کے مرے گا تو ایک نماز قضا کرنے پر 2,88,00,000 سال دوزخ کی آگ میں جلے گا, اسے نماز قضا کرنے پر عذاب ہوگا, اور جو موت کلمہ نہیں پڑے گا
मरते ही दोजख के अजाब में होगा। अब यह आता है कि क़यामत के करीब लोग असबाबों में लग जाएंगे, जैसे आज का हाल हो गया। बस्तियों में काफी लोग नमाजें कज़ा करते रहते हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं। वो कोई काफिर है वो कलमा नहीं पढ़ता, तो जो कलमा नहीं पढ़ता उसका दिल श्या होता है, बुरे काम करता है। और जो कलमा पढ़ता है लेकिन नमाज कज़ा करता रहता है तो उसके दिल भी खराब हो जाता है। आता है कि इस साल में मरेगा तो एक नमाज के कज़ा करने पर 2,88,00,000 साल दौलत की आग में जलेगा। तो इसलिए फरमाते हैं कि आला दर्जा है। साबा का हदीस में आता है कि उम्मत में कई तरह हाल बन जाएंगे। आला दर्जा एक है, पूछे कि आला दर्जा क्या? आपने फरमाया जिस व्यक्ति पर मैं और मेरे साहबा अमल कर रहे हैं, जो इस व्यक्ति पर आएंगे अमल के आला दर्जे पर होंगे। अल्लाह का हुक्म आ गया था कि सारी दुनिया वालों को कलमा पढ़ा, तो फिर साहबा हर साल 4 महीने 6 महीने जमात बना कर जिस मुल्क का मुशरा हो जाता उस मुल्क में जाते थे। तो उस मुल्क में जाकर लोगों को दावत देते कि सब नेमतें अल्लाह ने दी है, जमीन पर जितनी नेमतें बन रही सब अल्लाह ने दी। रोशनी न होती तो कुछ नहीं हो सकता था। दिन के लिए सूरज की रोशनी अल्लाह ने बनाई, रात की रोशनी सितारे और चांद अल्लाह ने बनाया, और हर इंसान का जिस्म जब माँ के पेट में अल्लाह बनाते हैं, माँ नहीं बनाते, अल्लाह के हुक्म से माँ के पेट में हर इंसान के जिस्म को अल्लाह बनाते हैं। बोलने की जबान अल्लाह ने दी, सुनने के कान अल्लाह ने दिए, और काम करने के हाथ अल्लाह ने दिए, चलने के चाले कदम अल्लाह ने दिए, और जितनी जमीन पर खाने पीने की नेमतें हैं वो सब अल्लाह ने बनाई। जमीन कुछ नहीं बनाती, तो जैसे अल्लाह ने नेमतें दी उसका राजी करना बहुत जरूरी। अल्लाह की रजा पैगंबर के सुन्नत अमल, पहले कलमा पढ़ना। कलमा पढ़ेगा दिल में अदैर का नूर बनेगा, जितना कलमा पढ़ेगा कुरान पढ़ेगा नमाज़ें पढ़ेगा हर अमल से दिल का नूर बढ़ता जाएगा। जब दिल नूर से भर जाएगा फिर उसका नूर ऊपर जाएगा, जिसके दिल का नूर आसमान तक पहुँच जाएगा तो वो हर वक्त सोचेगा कि इस वक्त अल्लाह का हुक्म क्या, पैगंबर की सुन्नत क्या। हर मौके के हुक्म को पूरा करना, नमाज के वक्त में सब काम छोड़कर मस्जिद में जाकर नमाज